झारखंड जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार कोटे के राज्यसभा सदस्य बनाए जाने से झारखंड जदयू के साथ कुर्मी समाज उत्साहित है। खीरू महतो इन दिनों जमशेदपुर प्रवास पर हैं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर पार्टी में नई जान फूंकने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में उनका नगरीय अभिनंदन भी जारी है। बुधवार को झारखंड कुर्मी महासभा की ओर से खीरू महतो का नगरीय अभिनंदन किया गया। इसकी जानकारी देते हुए झारखंड कुर्मी महासभा पूर्व सिंहभूमि जिला अध्यक्ष अशोक मंडल ने बताया कि खीरू महतो की राज्यसभा सदस्य बनाए जाने से कुर्मी समाज काफी उत्साहित है और उनसे समाज के उत्थान को लेकर अपेक्षाएं रखती हैं। उन्होंने बताया कि कुर्मी समाज की समस्याओं से उन्हें अवगत करा दिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि समाज के उत्थान को लेकर हर सार्थक प्रयास किया जाएगा। राज्यसभा सांसद जी का, खीरू महतो जी का जो कार्यक्रम है वो हम लोगों ने अपने कुर्मी महासभा के तहत इस कार्यक्रम को उनके स्वागत के लिए आज हम लोगों ने आमंत्रित किया और समय मांगा, उन्होंने समय दिया और हम लोगों ने उनका स्वागत किया। खीरू जी के झारखंड में राज्यसभा सदस्य बनने से हमारे कुर्मी जाति का उत्थान होगा। इनके बनने से हम लोग को समाज को बहुत ताकत मिला है। हमको इन पर भरोसा है, आशा है कि इनके नेतृत्व में जो हमारा कुर्मी जाति का जो लोग हैं झारखंड में वो मजबूत होंगे, एकत्रित होंगे, संगठित होंगे और अपने आप को आने वाला समय में चाहे किसी समय में हो अपना एकता का हर जगह अपनी प्रदर्शित करेंगे। आप लोग भी अपने तरफ से कुछ समस्या रखे हैं कैंको की, कुर्मियों को किस तरह से उत्थान हो? नहीं, कुर्मियों का तो बहुत सारा मांग है और अभी तो शुरुआत हुआ, अभी आए हैं, अभी बहुत सारी बातें नहीं हुई है। इस बात हम लोगों का अभी समय है, बहुत चलता रहेगा। हम लोग तो मांग रखेंगे ही, चूंकि हमारा नेतृत्व करता यही है, तो जब ये है ये हमारा नहीं सुनेंगे, ये नहीं करेंगे तो हमारा कौन करेगा। और इनके बनने से हमारे समाज में बड़ा लोग उत्साहित हैं, हमारे समाज के लोग। अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा। मैं अशोक मंडल, कुर्मी महासभा, जिला अध्यक्ष, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।